तो देखती आंखों और सुनते कानों को शाहरुख का सलाम पहुंचे और आपके मैसेजेस मेरे ईमेल पे कुछ इस तरह कैसे बमबारी करते हैं कि जैसे मैं अकेला ही इस मुल्क का फौजी बचा हूं और मुल्क पे हमला कर दिया हो। तो जनाब, आपका इस फौजी आज आपके लिए कुछ नए टूल्स लेके आया है, जैसे कि आज हम पढ़ेंगे ब्लर, शार्पन टूल और स्मच टूल, और उसके अलावा पढ़ेंगे डॉच टूल, बर्न टूल और स्पंज टूल। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्लर से। इसके लिए, इसको समझने के लिए मैं इसकी डुप्लीकेट कर लेता हूँ, कंट्रोल जे दबा के। डुप्लीकेट हो गई भाई। अब आपने करना क्या है, देखें, एक दो तीन, ये दो आपको ब्लर धुंधले से दिख रहे होंगे और ये बाजी हल्के से धुंधली दिख रही होंगी, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ बाजी थोड़ी सी और धुंधली दिखें, तो मैं यहाँ से लूंगा ब्लर टूल। यहाँ से मैं इसका साइज बढ़ा सकता हूँ, इसकी हार्डनेस अपनी मर्जी से कर लें, चाहे तो बिल्कुल सॉफ्ट रखें, मैं सेंटर में रखता हूँ, और इसकी ताकत मैं इसको 99 कर लेता हूँ। अब गौर से देखिएगा क्या हो रहा है, मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता इस पर फेर रहा हूँ, ठीक है। अब आप देखिए, ये पिक्चर धुंधली हो चुकी है, हमें कैसे पता चलेगा, वैसे पहली धुंधली थी। अगर मैं इसकी आँख बंद करता हूँ तो देखिए नीचे वाली पिक्चर में आपको फ़र्क साफ पता चल रहा होगा कि धुंधली और शार्प। अब इसको और जानने के लिए इसको देखिए, हम इस पर फेरते हैं, ठीक है। मैं इसके फेस पे हल्का सा फेर रहा हूँ ब्रश, ठीक है। या आप अपनी कुंवारी आंखों से देख सकते हैं ब्लर हो चुका है, क्योंकि जब मैं इसकी आई को क्लोज करूंगा तो पीछे वाली पिक्चर शार्प होगी और ये पिक्चर होगी ब्लर। तो फिलहाल ये तो आप समझ गए होंगे कि ये टूल आपका यूज होता है ब्लर के लिए, यानी कि धुंधला करने के लिए। कि साथ में कोई आपका दोस्त खड़ा और उसका आप चाह रहे हैं कि वो ब्लर हो जाए, उसकी शक्ल ना दिखे, तो आप उसको ब्लर यूज कर सकते हैं। और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से फिलहाल कचरे के बिन में डिलीट। अब हम यहाँ से लेंगे शार्प टूल। शार्पन टूल क्या करता है, इसको मैं करता हूँ दोबारा कंट्रोल जे, ठीक है। शार्पन टूल का काम क्या होता है कि इस पिक्चर को मैं मजीद शार्प करना चाह रहे हैं, तो आप इस पर फेरेंगे टूल, तो आप देख सकते हैं। ओह, मैंने ब्लर टूल ही लिया हुआ है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे शार्पन टूल लिया, ठीक है। सेम स्ट्रेंथ साइज लिया, ब्रश का थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा सा ले लेते हैं, ओके। अब मैं इसकी आँख पर फेरूंगा, तो आप देख सकते हैं अपनी कुंवारी आँखों से इसकी आँखें कितनी शार्प हो गई, जैसे निकल के बाहर आ जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो शार्पन टूल क्या करता है, किसी चीज़ को शार्प करता है, ठीक है जनाब। अब हम आते हैं अपने थर्ड टूल की तरफ, इसका नाम है स्मज। स्मज टूल क्या करता है, शायद आपने पीटर पैन देखी हो, आई थिंक सो, पीटर पैन के अंदर आपने देखा होगा उसके कान लंबे से होते हैं। अगर आपने इसके कान लंबे करने हैं तो आपके कान भी लंबे कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ आ रहा भाई, ओके, इस तरीके से आपने, और थोड़ी सी स्माइल बढ़ा दें, है। तो ये मुझे किसी की याद दिला रही है, बैटमैन द जोकर, ऐसे ही कुछ, आई थिंक सो। तो फिलहाल इसको आप अपनी मर्जी से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। थोड़े से बालों को अगर आपने स्पाइक्स बनाना हो तो इसके लिए आपको इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी, ठीक है, और हार्डनेस थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। और हल्का सा इसको आपने बालों को ऊपर कर सकते हैं, ठीक है, मतलब ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी पे आप इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो फिलहाल मैं इसको अंडू कर देता हूँ ताकि ये दोबारा पहले जैसे हो जाए। तो कंट्रोल जेड अंडू की शॉर्टकट की है एज यूजुअल, जैसे कि आपको पता है, ठीक है। इसको मैं लेयर को डिलीट करता हूँ और दोबारा कंट्रोल जे करता हूँ ताकि इसकी डुप्लीकेट आ जाए। अब हमारी बारी है डॉच टूल की। डॉच टूल क्या करता है, डॉच टूल यार, जेड दबाएं पहले, तो उसको जूम कर लें, ठीक है। और यहाँ से लेंगे आप डॉच टूल, यहाँ से लेंगे आप मिड टून, इसमें तीन ऑप्शन है, मिड टून, शेडो और हाईलाइट, आपने लिया मिड टून, और यहाँ से लिया इसका ब्रश का साइज थोड़ा सा बड़ा था, ठीक है, थोड़ा बड़ा ले लें। और इसका काम क्या है कि इसके दांत देखें आप कितने प्यारे हैं, ठीक है। आप इसको और प्यारा करना चाहते हैं तो देख रहे हैं आप, सफेदी की चमकार, क्या बात है, मतलब जैसे किसी ने टूथपेस्ट लगाया बाकी ने लगाया ही नहीं, ठीक है। इसकी आइस को भी हम थोड़ा सा सफेद कर देते हैं, आय है, अच्छी लग रही है, ठीक है, थोड़ी सी आंखों में चमक भी तो आनी चाहिए, ठीक है, इन बाजी की भी दांतों को सफेद कर देते हैं, ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा, तो ये ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए होता है टूल, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम ले लें यहाँ से बर्न टूल, तो बर्न टूल क्या करता है, कलर को थोड़ा सा डार्क करता है, ठीक है। ये देखें, आपको हल्के बनाने हैं तो आपको नीचे हल्के बना सकते हैं, ठीक है। बट ये हमारे इसलिए यूज़ नहीं होता कि आप हल्के बना रहे हो, आप इसके लिए बहुत, इसमें इसके लिए मतलब इस टूल को लेके बहुत से काम कर सकते हैं, इसलिए बालों को ब्लैक कर सकते हैं, ठीक है, ये इसका सिर्फ काम बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। बाकी इसके बहुत से यूनिक काम हैं, कि अगर आप मेकअप कर रहे हो तो कॉन्टोर वगैरह करने के लिए भी, मेकअप के लड़कियों के लिए फेस के ऊपर हो सकता है। तो जब आप आगे मेकअप ट्यूटोरियल या फेस रिटेचिंग का मैं बताऊंगा तो उसमें ये बहुत यूज़ होने वाला है, ठीक है जी। फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ लेयर को, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर दो तीन ऑप्शन और हैं, शेडो और हाइलाइट्स, वो हमें हम बाद में कवर करेंगे, फिलहाल मिड टून्स पे रहते हैं, मिड टून्स बेहतरीन है फिलहाल। आप लेते हैं स्पंज टूल। स्पंज टूल का काम क्या है, लेयर को कर लें कंट्रोल जैसे डुप्लीकेट, ठीक है। स्पंज टूल लिया, इसका साइज़ बढ़ाया, ठीक है। इसके अंदर दो ऑप्शन है,
एक डिसेचुरेट एक सैचुरेट। अगर आप सैचुरेट लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि कलर को ये इन्हेंस करता है, ठीक है। लिपस्टिक लगानी है थोड़ी सी, देख रहे हैं कलर थोड़ा सा ये वाइब्रेंट कर रहा है, वाइब्रेंट, ठीक है जी, कलर को थोड़ा सा वाइब्रेंट कर रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से इसके अंदर होता है डिसेचुरेट, डिसेचुरेट कलर को पी जाता है, यानी कलर को ये क्या करता है, बिल्कुल हल्का, ठीक है। कैसे ही मैं आपको बताता हूँ, ये देखें कलर को ये समझे, इमेज के अंदर जो कलर होता है उसको ये ख़त्म करता है। लाइक स्पंज आपने एक पानी के ऊपर रखा, ठीक है ना, जब स्पंज को आप पानी के ऊपर रखते हैं तो स्पंज जो होता है वो पानी को सोख जाता है, यानी कि पी जाता है। तो इस तरीके से कलर को आपके पी जाता है एक तरीके से, ठीक है जी। देख सकते हैं अब ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर होना स्टार्ट हो गई, ठीक है जी। ये था आपका स्पंज टूल। अच्छा ये दो टूल तो होगा, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैंने सोचता है इसको यहीं ख़त्म कर दूं, बट हम इसको आगे लेके चलते हैं। अब हम बताएंगे आपको पेन टूल। अच्छा जी, तो हमारा जो पेन टूल है ना, ये अब्बू टूल है, मतलब ये जान है फोटोशॉप की। मतलब इसके बारे में आप ये कह सकते हैं कि अगर ये ना होना तो शायद फोटोशॉप, मतलब फोटोशॉप की जान ख़त्म है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने लोगो बनाना है तो फोटोशॉप इस अब्बू टूल, मतलब क्या ट्रेसिंग के लिए, भाई ये ट्रेसिंग टूल है फोटोशॉप का। ये जो पेन टूल है ये ट्रेसिंग टूल है। मतलब मैं आपको छोटी सी बात बताऊं कि जब मैं एक कंपनी में था और वहां पे एक लोगो आया, और वो लोगो हमें परचेस करना था, और वो लोगो था $250 का। तो उस एक छिपकली का लोगो था, छिपकली थी मतलब बड़ी सी डिजाइनिश टाइप की, बड़ी बेहतरीन टाइप की स्टाइलिश छिपकली थी वो, और उसका हमें लोगो बनाना था। और उसका साइज जो था, मतलब वो हमें परचेस करने को मिला था तकरीबन $250 का। तो फिलहाल मैंने उसको पूरा इस पेन टूल से ट्रेस करके उसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर दी ताकि सेम ना लगे, और हमने $250 बचा ली। कैसा दिया, नहीं दिया अच्छा। तो जनाब हम आपको बताते हैं कि पेन टूल से किस तरह आप ट्रेसिंग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले, सबसे पहले। और ये पेन टूल हमारे आगे भी काम आएगा, जब मैं एडवांस क्लास बनाऊंगा तब आपको और समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, आपने कस्टम शेप टूल ले लिया, और यहाँ पे बहुत सारे कस्टम शेप मेरे पास आ रहे हैं। हो सकता है ये आपके पास ना हो, सकता है इस जैसे मिलते जुलते हो, तो इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं। जैसे कि ये मैंने चूहा ले लिया, ठीक है, और फाइल पे आए, न्यू पे क्लिक करा, और मैंने यहाँ से फर्ज करें 1280x1280 पे ही इसको डिज़ाइन बनाना है मैंने, ठीक है। फर्ज करें कि हमारे पास छोटा सा है, मैंने इसको शिफ्ट के साथ ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अच्छा ड्रॉ करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, जब आप कस्टम शेप टूल लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं, शेप, पाथ और पिक्सल। फिलहाल पिक्सल का मतलब ये है कि जो आप ड्रॉ कर रहे हैं वो एक शेप की सूरत में आपके सामने आ जाएगा, और उसको आप अगर छोटा कर सकते हैं तो छोटा तो कर सकते हैं, बड़ा करेंगे तो बड़ा में इसके पिक्सल फट जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं क्लियर लेता हूँ और उसको ऐसे ड्रॉ करता हूँ, एक तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है पाथ टूल। पाथ टूल में सिर्फ पाथ आएगा, इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं और उसको एडिटिंग भी कर सकते हैं साइड में से, ठीक है। और एक टूल होता है आपका शेप टूल। फिलहाल ये शेप टूल का मतलब ये होता है कि इसको आप छोटा बड़ा करेंगे, पिक्सलेट नहीं होगा, ठीक है। फिलहाल आप इसमें ना जाए, मैं आपको ये नहीं बता रहा, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपने यहाँ से कस्टम शेप टूल में आना है, और यहाँ से फिलहाल पिक्सल लेना है, या कोई भी आप लोगो उठा लीजिएगा नेट से जो एक कलर का हो, ठीक है, ताकि उस पर आप आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो फिलहाल समझिए मैंने नेट से एक लोगो उठाया चूहे का, ठीक है। अब मैं इसको ट्रेस करूंगा। तो ट्रेस करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये कि जेड टूल दबा के जूम इन कर लें, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ से पेन टूल लें, और पेन टूल आपके सामने आ चुका है, और यहाँ से आप लेंगे पाथ, शेप टूल ले लीजिएगा, पाथ लीजिएगा, ठीक है। वॉच वॉच केयरफुली कि अब या तो आप पेन टूल यूज कर लें या कैप्स लॉक दबा के आप ये प्लस यूज कर लें, तो दोनों एक ही से उनका कर्सर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो फिलहाल मैंने तो पेन टूल के जरिए आपने यहाँ क्लिक करा है, ठीक है, एक क्लिक यहाँ करा और क्लिक दबा के रखा। क्लिक दबा के रखने के बाद आप इसको डाउन करेंगे तो ये ऊपर किस तरफ जाएगा, और ऊपर करेंगे तो नीचे की तरफ जाएगा। तो अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लीजिएगा, ऐसे जैसे मैंने एडजस्ट कर लिया। अब आपने क्या करना है कि आप आगे क्लिक करेंगे तो देखेंगे मसला होगा, ये देख रहे हैं टेढ़ा हो रहा है। तो या तो आप यहाँ से लें 11 टूल और उसको पकड़ के एडजस्ट कर सकते हैं ऐसे, तो देखें वहाँ पे भी मसला होना स्टार्ट हो गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से हम अंडू करते हैं, ठीक है, दोबारा से बनाते हैं, और गौर से देखिएगा ये थोड़ा सा ट्रिकी भी है। आपने सिंगल क्लिक करा, एक क्लिक यहाँ करा और क्लिक दबा के रखा और उसको एडजस्ट करा ऐसे, ठीक है, ठीक है। अब आप ऑल्ट दबा के होल्ड ऑल्ट और क्लिक करेंगे बीच में तो ये कर्सर इसके अंदर चले जाएगा, और कंट्रोल के साथ इसको मूव कराएं ताकि इसको एडजस्ट कर सकें, ठीक है।
और कंट्रोल दबा के ही रखिएगा, और इसको यहाँ पे एडजस्ट कीजिएगा ऐसे, और कंट्रोल यहाँ दबाइएगा, ठीक है, और इसको ऐसा आपने एडजस्ट कर दिया, ठीक है। अब आपने क्लिक करा यहाँ पे, ठीक है, एक क्लिक करा यहाँ पे, और कंट्रोल के साथ देखें, एक क्लिक करा आपने यहाँ पे, ठीक है, और एक क्लिक करा बीच में, देखें प्लस पॉइंट ऐड हो रहा है, ठीक है। या तो आप इस तरह कर लें, या फिर आप जब क्लिक करेंगे, क्लिक दबा के रखिएगा, ऊपर कीजिएगा, ये एडजस्ट हो गया ऐसे, ठीक है, और ऑल्ट क्लिक करके इसको इनसाइड कर दिया। इसके अलावा अंडू करें, एक क्लिक करें यहाँ पे और एक क्लिक करें यहाँ पे, प्लस का साइन आ रहा है, आप देख सकते हैं। अब ये प्लस का जब पॉइंट यहाँ पे आपने ऐड करा, कंट्रोल दबा के आप इसको ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हैं, जो आपको ईजी लगे। फिर इसमें ये फायदा होता है कि आपके पास ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आप कंट्रोल दबा के हैंडल्स को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैंने एक क्लिक करा यहाँ पे और उसको कर्व करा, ठीक है, ऑल्ट क्लिक से इसको इनसाइड करा, फिर यहाँ क्लिक करके कर्व करा, ऑल्ट क्लिक से इनसाइड, यहाँ क्लिक दबा के रखा, ऊपर करा, ऑल्ट क्लिक। अच्छा, मैं जल्दी बना रहा हूँ ताकि इसको आप आराम आराम से बनाएगा, ताकि सेम चीज़ बने, ठीक है। ऑल्ट क्लिक से अंदर मैं थोड़ा सा जल्दी बना रहा हूँ ताकि काम हमारा जल्दी हो जाए, ठीक है। ऑल्ट क्लिक, जाहिर सी बात है 100% तो बिल्कुल चीज़ नहीं बनेगी, पर 100 से कम भी नहीं बनेगी, ठीक है, 19-20 का फर्क रहेगा। जितने अगर आप सफाई से करेंगे उतनी ज़्यादा ही बेहतरीन चीज़ बन सकती है, ठीक है। तो फिलहाल मैं जल्दी से बना रहा हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए। ऑल्ट क्लिक, ठीक है, एक क्लिक, सिंगल क्लिक, यहाँ क्लिक करा आपने, ऑल्ट सिंगल क्लिक करा कंट्रोल के साथ, उसको एडजस्ट कर लिया, ठीक है। एक क्लिक करा आपने यहाँ पे, थोड़ा यहाँ पे, थोड़ा यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ऐसे आपने करना है, ठीक है। और सबसे पहली बात, आपने घबराना नहीं है, स्पेस दबा के हाथ नहीं रखना है, यहाँ और क्लिक कंट्रोल के साथ, इधर यहाँ ऑल्ट क्लिक ताकि हैंडल अंदर जाए, क्लिक क्लिक क्लिक, अब बीच में क्लिक करा ताकि पॉइंट ऐड हो, कंट्रोल के साथ उसको ऊपर अप करा, ठीक है। समझे, ये पेन टूल अब्बू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, ठीक है। क्लिक, क्लिक, और कर्सर से कर्सर मिला के इसको यहां रखा, ठीक है। अब ये आपका शेड बन गया, ठीक है, पाथ ट्रेस हो गया, आपने इसको ट्रेस कर लिया, ठीक है। अब आप इसको चाहें तो एडजस्ट कर सकते हैं, डायरेक्शन, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लीजिए, इसके पॉइंट को अंदर कर सकते हैं आप अपनी मर्जी से, मतलब अपनी मर्जी से पॉइंट्स को आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ क्लिक करा आपने, इसको ऊपर उठा दिया थोड़ा थोड़ा यहाँ पे, ठीक है जी। आप इस पाथ को पूरा मूव कराना चाहें तो पाथ सिलेक्शन टूल, इस पूरे पाथ को अलग से मूव करा के देख भी सकते हैं, ठीक है, बेहतरीन हो गया। थोड़ा मूव पर ले आते हैं इसको, ठीक है, जेड दबा के ऑल्ट क्लिक करते हैं, जूम आउट होगा। अब मैं इस पाथ के अंदर कलर भरना चाह रहा हूँ, तो आप कंट्रोल इंटर करेंगे, सिलेक्शन लोड होती है कंट्रोल इंटर से, यहाँ से आपने लियरली ऑल्ट बैक स्पेस करा, और आप देख सकते हैं के तकरीबन 19-20, अगर ये मैंने बहुत जल्दी में काम करा, अगर आप बहुत स्लो करेंगे तो शायद इससे भी अच्छा चूहा बना लें, मतलब अपनी मर्जी का चूहा भी बना सकते हैं, ठीक है। जो दिस सेम एज इट इज आपने छाप दिया, क्या बात है जी, क्या छापा है आपने। तो जनाब यहाँ पे मुझे आप इजाजत दीजिए, और यहाँ पे हमारी 15 क्लास खत्म होती है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और जरूर कीजिएगा, क्योंकि नहीं करेंगे ना तो मुझे ऐसा लगेगा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको देख के लगता है कि कैसे हो, ऐसा पूछने का दिल चाहता है ना कुछ लोगों को देख के कि कैसे हो, बट अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे ना तो दिल ये कहता है कि मैं आपसे कहूँ कि क्यों हो, तो भाई सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब नहीं करना, सब्सक्राइब कर लो। तो टेक केयर, बाय बाय।